लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और विधानसभा चुनाव का बिगुल भी बज चुका है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं विधानसभा चुनाव की और पश्चिम नागपुर से 4 बीजेपी के सदस्यों का नाम गया है। उनमें से आज हमारे साथ मौजूद है नरेश बर्डे जी। आइए इनसे ही जानते हैं कि क्या तैयारियां पहले तो विधानसभा के लिए आपकी ओर से की जा रही है। विधानसभा इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए हमने जो लोकसभा में आज जो इलेक्शन कंटेंट किया है वो हमारे लोकप्रिय नेता नितिन जी गडकरी, इन्होंने जो 10 साल में नागपुर शहर का वो पूरे देश का जो नक्शा बदल दिया इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, उस हिसाब से इस लोकसभा में जो हम एक अपेक्षा किए थे पश्चिम नागपुर में, मैं पश्चिम नागपुर का भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष नाते से मैं जहाँ पश्चिम नागपुर में काम करते टाइम मुझे ऐसा लगा कि ये इलेक्शन एक विकास के नाम पे हमने जनता के बीच में गए थे। क्या जो भी काम गडकरी साहब ने नागपुर शहर में किए उस कामों के मद्देनज़र रखते हुए हमने मंगा, मगर जब ये लोकसभा के रिजल्ट आने से हमारे को ऐसा लगा कि अब यहाँ थोड़ा कुछ नेरेटिव्स कास्ट नेरेटिव चले और वो नेरेटिव के माध्यम से थोड़ा सा हमारे गडकरी साहब को जो हमारी अपेक्षा थी उससे वोट कम मिले, तो ये लोकशाही के दृष्टिकोण से माध्यम से ये अच्छी बात नहीं है ऐसा मुझे लगता है। और विधानसभा का अभी इलेक्शन उसी को मद्देनज़र रखते हुए लोकसभा के जो भी रिजल्ट आए उसको मद्देनजर, महाराष्ट्र में आज भी हमारी भारतीय जनता पार्टी उसी पार्टी के वोट कम नहीं हुए, हमारे वोट जहाँ बाइफर्केशन होने वाला था वो नहीं हुआ, मगर पार्टी का जितना परसेंटेज ऑफ वोटिंग था उतना परसेंटेज ऑफ वोटिंग मिला, सिर्फ 1-2%, 5% वोट इधर उधर डाइवर्ट होने से हमारी सीटें ज़्यादा गई मगर हमारा वोट परसेंटेज जो रहता है वो कम नहीं हुआ है। क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार, क्या लगता है आपको सीट मिलेगी? बिल्कुल, अभी हम भारतीय जनता पार्टी के सब पदाधिकारियों ने और पश्चिम नागपुर के बारे में तो हमने एक अपना संकल्प ही लिया है सब लोगों ने मिलके कि ये 30 साल हमारा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था पश्चिम नागपुर, और वो पिछले इलेक्शन में थोड़ा हमारी कुछ इंटरनल हो या जो भी हो पिछले साल हमारी सीट चली गई, सुधाकर राव देशमुख हमारे हारे थे इलेक्शन, वो भी ज़्यादा नहीं 5,000-6,000 के वोटों से हारे थे, इसलिए हमारे को इस इलेक्शन में इस विधानसभा में कोई भी परिस्थिति में किसी को भी टिकट मिले पश्चिम नागपुर की, दावेदारी तो हमारे पार्टी में सब करेंगे मगर पार्टी का निर्णय हमारे जो नेता है श्री देवेंद्र जी फडणवीस हो, हमारे नेता गडकरी जी हो, बावन कुड़े साहब है, बाकी हमारे संगठन मंत्री उपेंद्र कोटेकर जी है, ये सब मिलके जिसको भी टिकट देंगे वो टिकट को फाइनल करते हुए हम पूरे पदाधिकारी लोग बड़े जोर धाम से फिर से हमारी सीट वापस लाने के लिए हम यहाँ कोशिश करने वाले, और मेरा निश्चित ही हम लोग सब मिलके आज पश्चिम नागपुर में अपना कबल फैलाएंगे ऐसी हमारे को सबको आशा है। और उस दृष्टिकोण से हमारे महाराष्ट्र सरकार ने अभी जो फिलहाल में जो 2-3 निर्णय लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना बहुत मेरे यहाँ तो रोज की गर्दी चल रही है, कम से कम हमने अभी 1,000-2,000 महिलाओं का फॉर्म सबमिट कर दिया है, और भी 21 अगस्त तक कोई योजना है अभी और भी करना बाकी है, वैसी ही अभी एक बहुत अच्छी योजना है लड़कियों के लिए क्या है, 12वीं पास होने के बाद में हायर एजुकेशन के लिए पहले पीला कार्ड और केसरी कार्ड वाले को योजनाएं का लाभ मिलता था, मगर अभी सब लड़कियों को ये बहुत बड़ी लड़कियों के बारे में यानी वुमेंस के बारे में बहुत बड़ा निर्णय हमारे सरकार ने लिया, निःशुल्क उनको हायर एजुकेशन फ्री कर दिया उन्होंने, ये भी एक योजना है। एक अभी हमारे यहाँ लड़का भाऊ नाम दे रहे लड़का भाऊ योजना, मगर वो योजना ऐसी है क्या, वो योजना में जो लड़का 12वीं पास होता है और अप्रेंटिस करने कोई कंपनी में जाता है या कंपनियां उसको ऑफर देती है तो उसको जो ट्रेनिंग पीरियड में जो पैसा रहता है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट देने वाली है, जैसा 6,000 रुपये 12वीं पास वाले को, 8,000 डिप्लोमा ITR करने वाले को, नहीं तो पदवी की जो होंगे इंजीनियरिंग पढ़ते हैं या ग्रेजुएट होते हैं उनके लिए 10,000 रुपये, तो वो भी योजना से आज हमारे यहाँ महाराष्ट्र स्टेट में जो भी अभी हमारी कमतरता थी वो ये योजनाएं लाने से पूर्तता होगी ऐसा मेरे को ऐसा लगता है। और दूसरा कि अभी जो बिजली के बारे में काश्तकारों को जो फ्री कर दिया है उन्होंने, जो बिजली पहले 24 घंटा नहीं चलती थी, अभी हमारे देवेंद्र भाऊ फडणवीस और हमारे एकनाथ जी शिंदे इन्होंने जो काश्तकारों के लिए 2-3 योजनाएं लाया उससे भी बहुत बड़ा ग्रामीण जिले में लाभ होगा,
और निश्चित ही हम महाराष्ट्र में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सब मिलके हम सब पदाधिकारी मिलके लाएंगे, ऐसा मैं यहाँ पे मुझे लगता है। अगर इस बार विधानसभा में आपको सीट मिल जाती है तो पश्चिम नागपुर को क्या क्या डेवलपमेंट देखने मिलेगा, क्या क्या डेवलपमेंट के नाम पे आप पश्चिम नागपुर में लाना चाहेंगे? समझ लो हमारे पार्टी ने हमारे कामों को देखते हुए मुझे टिकट दिया। मैं एक बेसिकली आई एम द सिविल इंजीनियर, मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एज ए क्लास टू ऑफिसर करके 35 ईयर्स नौकरी किया हूँ। तो मुझे मेरा एक ब्लू प्रिंट तैयार है पश्चिम नागपुर करने में, क्या जो भी हमारे यहाँ अभी झोपड़पट्टी में इधर उधर काम तो करना ही है, उसके अलावा सर्वांगीण विकास कैसा हो, नागपुर शहर आध्यात्मिक सांस्कृतिक शैक्षणिक ये सब दृष्टिकोण से कैसा हो, उसके मामले में मेरा रहेगा। मेरा और एक सपना है कि जो भी होते हैं रोड, सीमेंट रोड बनते हैं, इसमें इंटीग्रेटेड प्लानिंग होना चाहिए, क्योंकि रोड बनने के बाद में एक दो महीने चार साल के बाद में फिर रोड फूटा जाता है, तो उसमें जो केबल लाइन हो, इलेक्ट्रिक की लाइन हो, गटर की लाइन हो, टेलीफोन की लाइन हो, ये सब लाइन का पहले एस्टिमेट में प्रोविज़न होगा, पहले उसका प्लानिंग होगा, सब अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को मीटिंग होंगी और उसके बाद में उसका एस्टिमेट टेक्निकल सेंक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होगा। तो ये जो परेशानियाँ अभी हो रही है, अभी पानी आने के बाद में सीधा रोड लेवल बढ़ जाती है, घर की लेवल डाउन हो जाती है, तो वो सब टेक्निकली दृष्टिकोण से एस्टिमेट में प्रावधान करके वो रोड या सीवर लाइन्स हो, बाद में तुम्हारा गटर लाइन्स है, ये सब काम करने के लिए मैं मेरा विधानसभा जब मैं लड़ूंगा तो मेरे को इस दृष्टिकोण से बात करूंगा। इसी प्रमाण में शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी हमारा जैसे हमारे कुछ ऐसी एरिया है जहाँ पे स्कूल का आज भी माध्यम हमारे झोपड़पट्टी के लोगों को एडमिशन मिलता नहीं है, उनका एजुकेशन थोड़ा सा कमज़ोर होते जाता है, उनको बड़े स्कूलों में एडमिशन करते टाइम में बड़ा दिक्कत होती है पैसे के मामले में। ऐसी एक स्कूल जिला महानगर पालिके के स्कूलों का कन्वर्शन अच्छे स्कूलों में कैसा होगा, वहाँ गोर गरीब बच्चों को कैसा एडमिशन मिलेगा, इसके बारे में भी मेरा कल जा रहा है। वही हमारे पश्चिम नागपुर में मेट्रो रेलवे नहीं है, यहाँ पूरा फैक्ट्री है, इधर हमारा स्कूल एजुकेशन जोन है, मगर हमारी रेलवे लाइन कस्तूरचंद पार्क पे वहाँ से आई, इसके बाद भी इधर रही, उसका मेरा पहला प्राधिकरण है। यहाँ एक अच्छा हॉस्पिटल बच्ची नागपुर में होना चाहिए, जैसा उधर दक्षिण नागपुर में है उसी हिसाब से पूर्व नागपुर में अभी हो, ऐसे प्रकार का एखादा हॉस्पिटल की एक प्रोविजन है। एक खेलने का अच्छा ग्राउंड होना चाहिए, जो इंटरनेशनल लेवल पर एखादा ग्राउंड होना, वो एक मेरी अपेक्षा है। दूसरा हमारे यहाँ पे आज भी जो बच्चे हैं स्कूलों में जाते हैं, वो बच्चों को जो रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा उनको न होने से वो कभी स्कूल में लेट जाते हैं, तो रास्ते जो विकसित रास्ते मैंने आज अभी बात किया वो पूरे होने चाहिए। ऐसी सर्वांगीण विकास हमारे पश्चिम नागपुर का कैसा हो, जहाँ शैक्षणिक हो, हॉस्पिटल हो, और महत्व का रोज़गार, ये रोज़गार का मुद्दा तो मैं बहुत अच्छे से उठाऊंगा। पश्चिम नागपुर में झोपड़पट्टियाँ कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 27% झोपड़पट्टियाँ से हमारा युवा वर्ग आज एम्प्लॉयमेंट मिलती नहीं है, कहाँ 8,000-2,000 रुपये से। मैं गडकरी साहब हो, देवेंद्र भाव हो, या हमारे बावनकुड़े साहब, उनको रिक्वेस्ट करके बोलूँगा यहाँ सॉफ्टवेयर कंपनी आना चाहिए। हमारी इग्ना MIDC है, कर्मेश्वर MIDC है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नए नए प्रोजेक्ट लाना चाहिए, जिससे एम्प्लॉयमेंट का समस्या दूर होगी। ये प्रोजेक्ट आने से ही एम्प्लॉयमेंट दूर होगा ऐसा मुझे लगता है, और उसको लाने के लिए मैं यहाँ हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर, अभी हमारे यहाँ गवर्नमेंट की कम से कम 300 एकड़ ज़मीन है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए मैं गडकरी साहब को बोलूँगा कि सर यहाँ कम से कम 2-3 सॉफ्टवेयर कंपनियाँ लाइए, जिससे हमारे यहाँ का पश्चिम नागपुर का युवा लड़का वहाँ नौकरी करेगा, पुणे जाना बंद कर देगा। तो ऐसा प्रकार के मेरे पास में नागपुर पश्चिम नागपुर का सर्वांगीण विकास कैसा हो, ये एक मेरे मन में ब्लूप्रिंट तैयार है, मैं उस हिसाब से अपनी तैयारी कर रहा हूँ। पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो मैं निश्चित ही इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ, और पार्टी ने नहीं दिया, किसी को भी टिकट दिया तो भी पश्चिम नागपुर में BJP का आमदार चुन के कैसा आएगा, इसके लिए मैं पूरी तन मन धन से लगा रहूँगा, ऐसा मैं आज इस जगह पर बात करता हूँ। लोकसभा चुनाव में BJP ने महाराष्ट्र में बहुत कम सीट हासिल की थी, क्या लगता है इस बार विधानसभा सीट में, विधानसभा इलेक्शंस में किसका पारा ज़्यादा भारी होगा? लोकसभा का इलेक्शन एक प्रकार से अपने देश के इतिहास में एक थोड़ा सा 10 साल के बाद में जो एक नैरेटिव तैयार किया है, वो नैरेटिव लोगों के दिमाग में भी आ गया,
जैसे कुछ संविधान बदलने वाला है, बाद में अड़ानी अदानी, ऐसे जो कुछ ऐसे फेक नैरेटिव तैयार होने से लोगों ने एक विश्वास प्राप्त किया। अभी 8,500 रुपये फटाफट फटाफट खाते में हम चुन के आएंगे तो दे देंगे, तो कोई भी काम फटाफट होता नहीं है वो, और लोगों के समझ में आ गया है। अभी धीरे धीरे हम भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं को वो फेक नैरेटिव के बारे में, उनके अभी हमारे भी 2-3 आंदोलन या हमारी यात्राएँ चालू होने वाली है, और लोगों के दिमाग, लोगों को देखो झूठ बोलने से सिर्फ इम्पैक्ट 1-2 महीना रहता, मगर वो झूठ सही लाइफ लॉन्ग नहीं टिका रहता। और हम जो काम कर रहे हैं अभी, हमारी महाराष्ट्र सरकार ने जो योजनाएं लाया, अभी हम सितंबर महीने में लड़की बहन योजना के पैसे खाते में आ जाएंगे, बाद में हमारा इलेक्ट्रिसिटी बारे में जो अभी देवेंद्र भाऊ ने निर्णय लिया है काश्तकारों, वो आएगा, उससे हमारे को ऐसा लगता है कि ये लोकसभा इलेक्शन का और अभी आने वाले इलेक्शन का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एक डेवलपमेंट के वोट नहीं हुआ, एक जाति पाति पे इलेक्शन को लेके गए, कुछ लोगों ने उसमें थोड़ा सा अपनी ज़्यादा बढ़ चढ़ा के बात कर लिया है, और लोग समझ जाते हैं हर बात को। तो हम लोग अभी योजनाएं लेके और लोगों के स्कीम योजनाएं लेके लोगों तक जाएंगे, और मेरे को नहीं लगता कि महाराष्ट्र में उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा, और हम ज़्यादा से ज़्यादा हम महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नमेंट यानी महायुति की सरकार बनाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी, हम लोगों ने बात की नरेश बर्डे जी से, और इनका यही कहना है कि लोकसभा तो हो चुका है बट विधानसभा में ये पूरी तैयारी से सामने आएंगे। महाराष्ट्र TV 24 के लिए कैमरामैन मोहन मिश्रा के साथ मैं खुशबू परियानी।